ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। पखांजूर में फाइनेंस कंपनी के नाम पर 3 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले दंपत्ति फरार हो गए। पुलिस ठग दंपत्ति की खोजबीन में जुटी हुई है। मक्का घोटाला के बाद पखांजूर में फाइनेंस के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का नया मामला सामने आया है, जहां एक दंपत्ति ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोली और अधिक ब्याज देने का लालच देकर ग्राहकों के खाते खुलवाए। ठग दंपत्ति ग्राहकों से 3 करोड़ से अधिक की राशि जमा कराने के बाद अचानक रातों रात रफू चक्कर हो गए। 9 दिन तक ऑफिस नहीं खुलने और उनके मोबाइल बंद होने के बाद ग्राहक अपने ठगे जाने का एहसास हुआ। बताया जा रहा है कि SBI ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में दंपत्ति ग्राहकों को फाइनेंस कराने के झांसे में लेते थे। फिलहाल पुलिस ने ग्राहकों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पखांजूर पुलिस, माइक्रो फाइनेंस कंपनी और ग्राहक सेवा केंद्र को सील कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। खाता एक ही था? दो खाता था। दो खाता, कितना दिन जमा किए? मैच्योरिटी होने वाला था, खत्म होने वाला था उसी टाइम। कितना पैसा डूब गया लगभग? 40,000 हो गया आपका? आपका क्या चाहते हैं? सर ये है कि ये बैंक वाले घर घर में घूमते थे और लोगों को समझाते थे कि आप इसमें पैसा जमा करो, थोड़ा थोड़ा करके जमा करिए, साल भर में आपको इतना पैसा मिलेगा और हम सेवा भी इतना देंगे कि घर आके कलेक्शन करेंगे। तो हमारे बैंक SBI के साथ शामिल है, तो आप डरने या भागने का कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। कितना पैसा जमा किया था? तो हम लोग करीब सर 1,00,000 रुपये करीब मेरा है इसमें, अभी क्या है साल भर से कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके। तो कुछ ज्यादा ब्याज दर देने का लालच? नहीं नहीं, ज्यादा ब्याज दर के लालच में नहीं था। हाँ। क्या है, हम लोग थोड़ा थोड़ा कर पार्टे जमा करते थे ताकि वो पैसे इकट्ठा हो। अच्छा। हमको एक साथ में मिलेगा तो यही सुविधा से हम लोग करते थे और बच्चे लोग, उनके स्टाफ लोग आते थे घर में पैसा। अभी फरार हो गए? अभी फरार हो गया सर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।